हेलो माय आर व्यूज, टुडे माय टॉपिक इज अबाउट दी फंगल क्रीम। जैसे कि हम जानते हैं इसका नाम है टर्बिसिल और यह सेफ्रॉन कंपनी ने बनाई है। तो आए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके मेडिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ। चले आए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी और वीडियो को देख सकें। चले आए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस क्रीम की, तो क्रीम के बॉक्स के ऊपर आपको कुछ हदायत मिल जाएंगी, जैसे कि इसके टेम्परेचर के बारे में कि इसके ज़्यादा टेम्परेचर से बचाएं, इसको रोशनी से बचाएं और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको डॉक्टर की हदायत से यूज़ करें। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। टर्बिनाफीन एज ए SCL ये 1% इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसके अलावा कुछ और डिटेल है, आए हम इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर आपको कुछ आपको गाइस बात है यहाँ पर क्रीम मिलेगी इसकी। इसके अलावा आपको बॉक्स में ये पेपर मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ इसके बारे में हदायत मिल जाएंगी कि ये कैसे यूज़ करनी है, इसके अंदर क्या है, ये सारा मैंने आपको बॉक्स में दिखा दिया है, सब कुछ वही है। ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर कैसे यूज़ करना है, हम ज़रा इसको डिटेल से बात करते हैं इसके इस पेपर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेडिकल यूजेस के बारे में। तो ये जो क्रीम है ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले जो फंगल इन्फेक्शन है उसे हम कहते हैं एथलीट फुट। ये बहुत कॉमनली फंगल इन्फेक्शन है और इसमें क्या होता है कि जो आपके पाँव की जो उंगली हैं उनके दरमियान में स्किन जो है वो इसके इची हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इसके अलावा स्केली स्किन हो जाती है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर 1 वीक के लिए और इसका इफेक्ट ज़रूर पाएंगे। इसके अलावा हम अगर फर्दर बात करें इसके यूजेस की, तो ये जोक एच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जोक एच में ये यूज़ होगा मीन्स के ये अगर ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें मेल ग्रोन एरिया में रैशेज़ हो जाते हैं और बैड ऑडर और पेन और इचीनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप इसको 1 वीक तक ज़रूर इस्तेमाल करें और दिन में एक दफ़ा। इसके अदर यूजेस में फंगल नेल इन्फेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं निकोमाइकोसिस, इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है और ये फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा अल्बा ऐसे फंगल से ये कॉज होता है। अगर हम इसकी बात करें अगर इसके मैकेनिज्म और एक्शन के बारे में, तो इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि ये इनहिबिट करवाता है अर्गोस्ट्रोल को जो फंगल सेल वॉल में एक एंजाइम पाया जाता है और ये देखा गया है कि ये सेल परमेबिलिटी कॉज करने की वजह से लाइसिस करवा जाता है। लाइसिस का मतलब यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा फंगल की जो सेल वॉल है उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो ये FDA से अप्रूवल है और ये फर्स्ट अवेलेबल था यूरोप में 1991 में और उसके बाद अवेलेबल हुआ USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट में 1996 में। सो टुडे ऑल माई टॉपिक इज़ अबाउट दिस क्रीम। सो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बहुत सी वीडियो मैं आगे भी लाऊं आपके लिए, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।